हेलो दोस्तों, मैं सुखी सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जस्ट डिजाइन में। और आज की वीडियो में हम आपको डिजाइनर पफ स्लीव का डिजाइन बनाने के लिए बताएंगे, जो कि अभी काफी ट्रेंड में चल रहा है। दोस्तों, इस स्लीव की लंबाई हमने एल्बो तक की ली है, तो एल्बो तक की आप लंबाई ले लें और उसके बाद में एल्बो से 1 इंची बढ़ाकर आपको कपड़ा लेना है। तो जैसे हमारी यहाँ पर स्लीव की लंबाई है 11 इंची और यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है लंबाई में 12 इंची का। और यहाँ पर देखे दोस्तों, कपड़े को हमने इस तरीके से डबल फोल्ड में लिया है और इधर हमारा गुलाई वाला हिस्सा है। अब हम स्लीव की कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमने ऊपर में चुन्नट के लिए 3 से 3.25 इंची का मार्क लगाना है। 3 इंची भी दे सकते हैं, 3.25 इंची का भी मार्क लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3.25 इंची का मार्क लगाना है, तो 3.25 इंची का मार्क लगा दिया है। अब नीचे में हमने 1.5 इंची का मार्क लगाना है। अब दोनों मार्क को हम मिलाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप मार्क लगाकर मिला दें। अब हम आपको स्लीव की कटिंग करके बताते हैं। तो स्लीव का हमारा जो आर्म होल है वो है 6.5 इंची। आप अपने नाप के अकॉर्डिंग दें जितना आपका आर्म होल आता है। तो यहाँ पर हम 6.5 इंची में मार्क लगाएंगे और ऊपर से हम यहाँ पर स्लीव को जो डाउन देंगे वो देंगे 4 इंची। तो 4 इंची में यहाँ पर मार्क लगाना है। तो हम इसे गुलाई में मिलाएंगे और साइड में हमने यहाँ पर 1.5 इंची की मार्जिन रखनी है। तो 1.5 इंची का भी हम यहाँ पर मार्क लगा देंगे। अब हम मोहरी का मार्क लगाएंगे। तो मोहरी हमारी है 10 इंची, तो 10 इंची का आधा लेंगे, 5 इंची, 5 इंची मार्क लगाना है। और यहाँ पर भी हमने 1.5 इंची की मार्जिन रखनी है, जैसे हमने ऊपर में रखी है। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे स्लीव का मार्क लग गया है। अब हमने यहाँ पर जो 1.5 इंची का मार्क लगाया है, इसे हम सीधा ऊपर की तरफ करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने 1.5 इंची का मार्क लगाया था, ऊपर में भी हमने 1.5 इंची का मार्क लगाना है। इसकी लंबाई आपको रखनी है 5.5 से 6.25 इंची तक की। तो आप नाप अपने नाप के हिसाब से, अगर आपकी स्लीव की लंबाई अगर ज़्यादा है तो आप यह 6 इंची तक भी रख सकते हैं, 6.5 इंची भी रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 5.5 इंची रखी है। तो अब हम इसे सीधा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे स्लीव का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम ऊपर की तरफ आएंगे और यहाँ पर जो हमने मार्क लगाया है यहाँ पर हम कट देंगे, यहाँ एक तो मिडिल में भी कट देंगे। अब हमें इसकी सिलाई करनी है, तो ये सिलाई हम इस 1.5 इंची के मार्क से होते हुए यहाँ तक की आएंगे। अब हमने इसे इस तरीके से खोलना है और इसे चीरा करना है। देखिए दोस्तों, इसे बॉक्स को आपको इस तरीके से, बॉक्स हमारा बन जाता है, तो बॉक्स को आपको इस तरीके से खोलकर यहाँ पर आपको चीरा करना है। चाहे तो आप इसे प्रेस में इस जगह में बैठा सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक बार सीधे की तरफ आपको दिखाते हैं कि इस तरीके से हमारा ये चीरा आएगा होगा। अब यहाँ पर हम एक सिलाई देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से चीरा हमारा हो गया है। अब हम आपको ऊपर की तरफ बताते हैं कि यहाँ पर हमारे 3 कट है, एक हमने मिडिल में दिया है, एक कट हमारा इधर है और एक कट हमारा इधर है। तो इसके चुन्नट को हमने इस तरफ मुंह करके देना है और इसके चुन्नट को हमने इस तरफ मुंह करके देना है। तो चलिए हम आपको देकर दिखाते हैं। और ध्यान देना है दोस्तों, ये चुन्नट आपको मोटे मोटे नहीं देने हैं, पतले पतले रखने हैं। चुन्नट को इस तरफ दिया है, अब हम इसे चुन्नट को उस तरफ देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने प्लेटें इधर की इस तरफ दी हैं और इधर की हमने इस तरफ दी है।
और काफ़ी हमारा यहाँ पर पफ भी अच्छे तरीके से बना है। अब हम नीचे में पट्टी लगाएंगे। तो दोस्तों ये पट्टी आपको लेनी है, ये जो हमने जोड़ दिया है इससे कुछ 1 इंची बड़ी लेनी है। तो यहाँ पर आप देखें हमने 1 इंची से बड़ा रखा है यहाँ पर, और इसके बाद में हमने इसे इस तरीके से बैठाना है और इसमें सिलाई देंगे। अब हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करना है, और देखें दोस्तों किस तरीके से हम इसे बैठा रहे हैं, इसे भी आप समझें। तो यहाँ पर हमारा सिलाई आ रही है, देखें दोस्तों अंदर में हमारी यहाँ पर सिलाई है। तो इस सिलाई के पास में हमने चीरे को अच्छी तरीके से यहाँ पर रखना है। तो देखें दोस्तों इस तरीके से हमें रखना है, और यहीं पर लाकर हमने इसे फोल्ड करना है। तो जहाँ पर हमारी सिलाई है वहीं पर लाकर हम इसे फोल्ड करेंगे। और इसमें हमें कच्ची सिलाई देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो सिलाई दी है इसमें अब हम तुरपाई करेंगे। तो ये सिलाई हमने इसमें कच्ची दी थी, तो इसलिए हम यहाँ पर तुरपाई करके इसे पक्का कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने तुरपाई कर दी है, और जो कच्ची सिलाई है हम उसे खोल देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन टोटल बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर हमने तुरपाई भी कर दी है और यहाँ पर हमने मोती भी लगा दी है, जिससे ये डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। जब आप इसे पहनेंगे तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो दोस्तों ये डिज़ाइन बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।